हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जी हैं, यूपी TPSC ने अभी अभी एक और नोटिस जारी कर दी है आयोग द्वारा। तो आयोग द्वारा देखते हैं क्या है नोटिस। आयोग ने भूल सुधार नोटिस, अपनी गलती जो की थी आयोग ने उसको अब सुधार ली है। तो चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण नोटिस क्या है। लोअर परीक्षा से संबंधित भी कुछ अपडेट है हम आपको देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नोटिस देख लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इसी तरह के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से 9 अक्टूबर की नोटिस जारी की गई है। आयोग के विज्ञापन संख्या 1/2018 द्वारा सम्मिलित व्यायाम प्रशिक्षण एवं क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी सामान्य प्रतियोगात्मक परीक्षा 2018 के अंतर्गत विज्ञापित कुल रिक्त 728 पदों पर चयन हेतु संपन्न लिखित परीक्षा के उपरांत क्षेत्रीय युवा विकास कल्याण एवं प्रादेशिक दल अधिकारी के 680 पदों एवं व्यायाम प्रशिक्षण के 48 पदों के लिए क्रमशः न्यूनतम शारीरिक स्वास्थ्यता मापदंड परीक्षा तथा शारीरिक पात्रता परीक्षा आयोजित किए जाने के संबंध में आयोग की सूचना संख्या 98/8 कंप्यूटर अनुभाग 4 अक्टूबर का संदर्भ ग्रहण करें। आयोग की उक्त सूचना दिनांक 4 अक्टूबर 2019 में दी गई सारणी के अनुसार क्रमांक 5 में दिनांक 25/10/2019 को आयोजित होने वाली न्यूनतम शारीरिक स्वास्थ्यता मापदंड परीक्षा शारीरिक पात्रता परीक्षा हेतु स्तंभ 4 में अभ्यर्थियों की संख्या 170 टंकित हो गई है। उक्त के संबंध में प्रश्नगत परीक्षा से संबंधित अभ्यर्थियों को यह सूचित किया जाता है कि न्यूनतम शारीरिक स्वास्थ्यता मापदंड परीक्षा शारीरिक पात्रता परीक्षा से संबंधित उक्त सूचना 4 अक्टूबर 2019 की सारणी के क्रमांक 5 पर दिनांक 25/10/2019 को स्तंभ 4 में दर्शाई गई अभ्यर्थियों की संख्या 170 के स्थान पर 48 पढ़ी जाए, यानी कि वो 170 अभ्यर्थी नहीं 48 अभ्यर्थी हैं। आयोग की उक्त सूचना 4 अक्टूबर 2010 को के स्थान पर इसको ग्रहण किया जाए। आशुतोष मोहन अग्निहोत्री, सचिव UP TPSC। तो ये रही अपडेट जो है, यहाँ पे गलती को आयोग ने सुधार ली है। इसके अलावा हम बात कर लें लोअर की, लोअर से अपडेट में, तो लोअर की रिवाइज आंसर की आयोग द्वारा जल्दी जारी की जाएगी। उसके लिए आयोग तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि इस पे अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि आयोग कब तक जारी करेगा। आयोग ने रिवाइज आंसर की के बारे में कुछ नहीं कहा। आयोग ने सिर्फ इतना कहा है कि इसका रिजल्ट दिसंबर में जारी कर दिया जाएगा, जबकि इस हिसाब से, आयोग के हिसाब से, यानी कि इसकी रिवाइज आंसर की जारी नहीं होगी, लेकिन इसकी रिवाइज आंसर की जारी होगी वो भी अगले महीने तक जारी हो जाएगी आयोग द्वारा। तो बड़ी संख्या में अभ्यर्थी थे, इस वजह से आयोग को टाइम लगेगा, लेकिन फिलहाल ये रिजल्ट दिसंबर में आयोग ने कहा तो दिसंबर में आने से रहा। ये रिजल्ट आपका मान लीजिए कि जनवरी या फरवरी के पहले नहीं आएगा किसी भी हालत में। तो ये रही अपडेट लोअर से संबंधित भी और युवा विकास कल्याण अधिकारी संबंधित भी। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू वेरी मच।